श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं, जम के बोलो जरा। नाग पंचमी, नाग पंचमी का मतलब क्या है, सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में हमारे कुटुंब में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। उत्तर शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए, पर श्रावण के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को श्रावण के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। दुनिया के लोग हंसते हैं श्रावण महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोग ने करी कि नहीं करी। जब हम सीहोर से या जहाँ कथा चलती रहती है वहाँ से श्रावण महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है, जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता, करोड़ों शिवलिंग। कई बार आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति को रोग बहुत घेर रहा हो, बहुत ज्यादा रोग घेर रहा हो, एक बीमारी पूरी ठीक नहीं होती दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक हुई नहीं तीसरी हो गई, तीसरी ठीक नहीं हुई चौथी हो गई, जिस व्यक्ति को रोग ज्यादा घेर रहा हो तो अगर शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जाएं या दूध चढ़ाने जाएं तो उसमें काली मिर्ची एक डालकर लेकर जाएं शंकर जी को चढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे रोग समाप्त होगा, दूसरा रोग नहीं घेरेगा, रोग समाप्त होगा, काली मिर्ची शंकर को समर्पण करनी।